हेलो फ्रेंड, दिस इज ज्ञान सिंह। वेलकम टू द लेट सपोर्ट। तो आज हम लोग देखने चल रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। हम देखेंगे हमारे कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हम सारा देखने चल रहे हैं। इनपुट यूनिट के बारे में जानकारी लेंगे, आउटपुट कंट्रोल यूनिट के बारे में लेंगे, और इसके जो मेन कंपोनेंट्स है उसके बारे में हम लोग पूरा देखने वाले हैं। तो चलिए, अभी हम फिलहाल इनपुट यूनिट हो गया, इस तरीके से पूरे इमेज ग्राफिक्स के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिलहाल शुरू से देखने का प्रयास करते हैं। फिलहाल कंपोनेंट, हमारे कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट्स क्या क्या हैं उसको हम देखते हैं। तो अगर हम रफली एक तरीके से देखा जाए तो हमारा इनपुट यूनिट होता है, फिर हमारा कंट्रोल यूनिट होता है, ALU होता है, इंटरनल मेमोरी होती है, हमारी मेन मेमोरी होती है, सेकेंडरी स्टोरेज होता है हमारा, फिर हमारा आता है आउटपुट यूनिट आता है। तो हमारे इनपुट यूनिट्स में क्या क्या आते हैं, हमारे माउस हो गया, हमारा माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, माइक्रोफोन हो गया, यानी कि जिससे हम लोग अपना किसी भी चीज़ को डेटा को क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। यानी जैसे कि हमारा माउस हो गया, माउस से हम क्या करते हैं, किसी भी इनपुट देते हैं किसी भी फंक्शन को रन कराने के लिए। और हमारा कीबोर्ड हो गया, अगर हमको कुछ टाइप करना हुआ हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, हम क्या करते हैं, सबसे पहले टाइप करते हैं ना, किसके माध्यम से, हम अपने कीबोर्ड के माध्यम से। तो वो हमारा क्या हो गया, ये हमारे क्या है, इनपुट यूनिट्स हो गए। ठीक, फिर हमारा कंट्रोल यूनिट आता है, जहाँ पे हमारे सारे क्या है, फंक्शन को कंट्रोल किया जाता है। हमारा जो फंक्शंस होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम का, वहाँ पे हमारा क्या है, सारा फंक्शन कंट्रोल किया जाता है। फिर हमारा ALU आता है। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये हमारा क्या है, ALU का फुल फॉर्म होता है, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया। फिर हमारा इंटरनल मेमोरी, यानी कि हमारा जो है इंटरनल मेमोरी हो गया। फिर मेन मेमोरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है, हमारा सेकेंडरी स्टोरेज अपना हार्ड ड्राइव हो गया, ओपन ड्राइव हो गया, ये सब हमारे सेकेंडरी स्टोरेज में आते हैं। फिर हमारा आउटपुट की बात करते हैं, आउटपुट मतलब हमारा क्या है, प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन मिलना, यानी मॉनिटर के थ्रू हमारा प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। फिर प्रिंटर हो गया, हमारा स्पीकर हो गया, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड या माउस के थ्रू क्या करते हैं, अपना इनपुट देते हैं कि हमको गाना सुनना है। गाना सुनने के लिए हम इनपुट दिए, फिर हमको आउटपुट के माध्यम से कहाँ सुन रहा है, हमको स्पीकर के माध्यम से सुनाई देता है। जैसे कि हम किसी भी चीज़ को प्रिंट करना है, मान लीजिए हम PDF है, PDF को इनपुट के माध्यम से इनपुट किए, लेकिन बाद में हमको किससे, हार्ड कॉपी में किससे मिल रहा है, हमारे प्रिंटर के द्वारा मिल रहा है, वो हमारा क्या है, आउटपुट हो गया। यानी कि जो भी चीजें हमको आउटपुट में मिलती हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं, आगे आता है, देयर आर बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। यानी कि हमारा क्या है, बेसिकली दो तीन प्रकार के, एक मिनट, बेसिकली हमारे 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के। जो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है उसको देख लेते हैं। हमारे 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से, हमारा इनपुट यूनिट, हमने अभी क्या बताया, इनपुट यूनिट में हमारा क्या आता है, कीबोर्ड आ गया, फिर आता है हमारा माउस आ गया, ये हमारे क्या है, इनपुट यूनिट्स में आते हैं। फिर हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग, यानी हमारा क्या है, CPU को हम क्या कहते हैं, CPU को हम अपने कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि हम CPU को किसका ब्रेन कहते हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। जैसे कि हमारे बॉडी का ब्रेन, जैसे हेड है उसमें ब्रेन है, उसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कौन है, CPU है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे सारे प्रोसेस जो होते हैं हमारे CPU में ही होते हैं। फिर आता है आपका आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट के बारे में हमने बताया था कि मॉनिटर हो गया, मॉनिटर एक अच्छा आउटपुट डिवाइस है। जैसे कि आप इस वीडियो को कहाँ देख रहे होंगे, एक मॉनिटर पे देख रहे होंगे, ये क्या होता है, एक प्रोसेस हो गया आपके थ्रू पहुँचता है, ये हमारा आउटपुट हो गया, आउटपुट यूनिट में आता है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं, आगे आता है इनपुट यूनिट के बारे में अच्छे से हम लोग जानकारी ले लेते हैं। इनपुट यूनिट हमारा होता क्या है, द इनपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस दैट आर अटैच्ड टू द कंप्यूटर। यानी कि जो हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के थ्रू हमारे जो भी डिवाइसेस अटैच हुए रहते हैं, जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया और प्रिंटर हो गया, ये क्या है, हमारा इनपुट, सॉरी प्रिंटर नहीं, आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये हमारे क्या है, हमारे एक इनपुट डिवाइसेस हैं, जिसके थ्रू हम क्या कहते हैं, किसी भी डेटा को या इन्फॉर्मेशन को इंटर करते हैं, और वो क्या होता है, प्रोसेस होके हमको एक इनपुट के फॉर्म में, आउटपुट के फॉर्म में मिलता है प्रोसेस होने के बाद।
दीज डिवाइसेज टेक इनपुट एंड कन्वर्ट इनटू बाइनरी लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड, यानी कि जो हमारा डिवाइसेज हैं, इनपुट डिवाइसेज हैं, वो क्या करती हैं, हमारे इंफॉर्मेशन, हम लोग क्या है मशीन वो हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन हमारा मशीन क्या है, हमारा कंप्यूटर क्या है, लो लेवल लैंग्वेज को क्या करता है, अंडरस्टैंड कर पाता है, यानी कि जिसको हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, हम उसको क्या बोल सकते हैं, मशीन लैंग्वेज, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। मशीन लैंग्वेज हमारा कौन कौन हो गया, 0 और 1, 0 और 1 हमारा क्या है, मशीन लैंग्वेज होता है, ठीक। सम ऑफ द कॉमन इनपुट डिवाइसेज आर कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर। जैसे कि आप हमने बताया था कि हमारा क्या है इनपुट डिवाइस कौन है, एक हमारा कीबोर्ड हो गया, हमारा माउस हो गया, जॉयस्टिक जिससे हम क्या है गेम वेम खेलते हैं, स्कैनर आप जाते हैं मान लीजिए प्रिंटर की दुकान पे, या फोटो मान लीजिए किसी दिन आप फॉर्म भरवाने जाते हैं तो आपका स्कैन फोटो लगता है ना, तो क्या करता है हमारा, हम अपना फोटो उसमें अपने स्कैनर में डालते हैं, वो हमारा फोन कंप्यूटर क्या करता है स्कैन कर लेता है, स्कैन करके आपको शो कर देता है। आउटपुट किस पे शो कर रहा है, वो आपके स्क्रीन पे शो कर देता है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं, आगे ये देखिए हमारा क्या है, ये हमारा माउस हो गया, इनपुट डिवाइस एक है, फिर आपका जॉयस्टिक आपका ऐसे दिखता है जो गेम खेलते हैं आप, गेमिंग वाला ये हमारा क्या है जॉयस्टिक हो गया, फिर आपका ये आ गया कीबोर्ड आ गया, ये आपका कीबोर्ड आ गया, फिर आपका ये स्कैनर है, स्कैनर QR क्या करता है, QR को रीड करता है, जो आपके देखते होंगे आप मॉल वॉल गए मॉल में गए होंगे तो वहाँ पे देखिए इस तरीके से स्कैनर होता है, जिसमें जो आपके कपड़ों पे टैग्स लगे होते हैं इसी के द्वारा क्या होता है स्कैन किया जाता है, जिससे क्या करता है उसे आपके प्राइसिंग वसिंग पूरी पता चल जाती है। तो ये हमारा क्या है स्कैनर का काम होता है, स्कैन करना किसी भी चीज़ को। तो ये हमारे क्या है सारे हमारे इनपुट डिवाइसेज हैं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है। तो वंस द इंफॉर्मेशन इज इंटर्ड इनटू द कंप्यूटर बाय द इनपुट डिवाइस द प्रोसेसर एंड प्रोसेस इट, यानी कि जो हमारा किसी भी इंफॉर्मेशन जो हम हमारे कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के द्वारा एंटर कर दिया जाता है उसको क्या करता है हमारे CPU में क्या होता है ये प्रोसेस होता है, वहाँ पर क्या होता है हमारा ये प्रोसेस किया जाता है, किसके द्वारा प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। द CPU इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, हमने पहले ही बताया था कि CPU को हम क्या कहते हैं, हम अपने कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहते हैं, यानी हम अपने मस्तिष्क कह सकते हैं किसका, अपने कंप्यूटर सिस्टम का। जैसे कि आपके घर डेस्कटॉप लगा रहा होगा, अगर डेस्कटॉप लगा है तो उसके साथ एक मॉनिटर होगा, प्रिंटर कीबोर्ड होगा, माउस होगा, फिर उसके साथ एक CPU होगा, जो हमारा CPU है यहीं पे हमारा क्या है सारा प्रोसेसिंग हो रहा है, यहीं से हमारा क्या होता है सारा प्रोसेसिंग होता है, कंट्रोलिंग यूनिट होता है, यहीं से सारा कुछ सब कुछ कंट्रोल किया हुआ रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं हमारा कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहा जाता है। बिकॉज इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द कंप्यूटर, हमने क्या बताया वो हमारा एक कंट्रोल सेंटर है, किसका, हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक कंट्रोल सेंटर होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो कुछ तरीके इस तरीके से आपका क्या है CPU दिखता होगा, इसी को हम क्या कहते हैं अपन कंप्यूटर सिस्टम का, ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम का क्या है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का, ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन है, ठीक। तो आगे द CPU हैज 3 मेन कंपोनेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट फंक्शन, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के जो हमारा CPU होता है उसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे मेन जो हमारे डिफरेंट क्या करते हैं जो फंक्शंस किए जाते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में उसको रिस्पॉन्सिबल होता है। ALU क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि हमारा जो प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस और डिवाइड इनटू हो गया, डिवाइड हो गया, ये सारा क्या करता है, ये हमारा ALU कंट्रोल करता है, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ पे हमारा सब कुछ डिवाइड हो गया, सब्ट्रैक्शन होगा, एडिशन होगा, ये सारा हमारे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर होता है। फिर आता है हमारा कंट्रोल यूनिट, जो कि हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को और अदर थिंग्सों को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल यूनिट के द्वारा, कि हमारा कौन सा क्या फंक्शन होने वाला है आगे, ये सब सारा चीज़ें क्या है कंट्रोल करता है, कौन, हमारा कंट्रोल यूनिट करता है। फिर हमारा मेमोरी रजिस्टर्स आते हैं, यहाँ पर हमारे क्या होते हैं सारी चीज़ों को
स्टोर किया जाता है, यहाँ पे हमारा स्टोरिंग का काम किया जाता है। ठीक, फिर आगे ये हमारे कुछ यही हमारे सारे क्या है मेन कंपोनेंट है किसके, हमारे सीपीयू के। फिर आता है हमारा, अब हमने बताया ना अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या होता है, हमने बताया ना एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये हमारे क्या है मेन कंपोनेंट वर्क हैं किसके, हमारे ALU के। द ALU एज इट्स नेम सजेस्टेड परफॉर्म द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड टास्क लॉजिकल डिसीजन, यानी कि हमारा लॉजिक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है, लॉजिक यूनिट का मतलब लॉजिकल डिसीजन जो भी लिए जाते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वो हमारे ALU के द्वारा लिए जाते हैं। अर्थमेटिक कैलकुलेशंस इंक्लूडिंग एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ये हमारा ALU के द्वारा किया जाता है। लॉजिकल डिसीजन इन्वॉल्व्स द कंपेरिजन ऑफ टू डेटा इट्स आइटम्स टू सी विच वन इज लार्जर एंड स्मॉलर और इक्वल, ये सब सारी चीज़ें हमारे ALU के द्वारा की जाती हैं, यानी कि हमारा कौन सा डेटा लार्ज है, कौन सा डेटा स्मॉल है, कौन सा इक्वल है, ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर देखते हैं, हम अपने ALU के अंदर किया जाता है, यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन, ये सब हमारी चीज़ें ALU के अंदर आती है। अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं, अगर नोट्स पाने के लिए हमको कहाँ जाना होगा, हम टेलीग्राम के चैनल से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर ये नोट्स दिए जाएंगे, या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ से, व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है वहाँ से भी आप ऐड होके वहाँ पे भी ये शेयर किया जाता रहता है, तो आप वहाँ से ज्वाइन होके क्या कर सकते हैं, इसका नोट्स पा सकते हैं, यानी कि इस पूरे नोट्स को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, अब हम लोग कंट्रोल यूनिट के बारे में जान लेते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, द कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल द डेटा फ्लो इन एंड आउट ऑफ द सीपीयू एंड आल्सो कंट्रोल ऑल द ऑपरेटिंग ऑपरेशंस ऑफ ALU मेमोरी रजिस्टर्स एंड आल्सो इनपुट आउटपुट आउटपुट यूनिट्स। हमने क्या बताया था, ये सारा क्या करता है, सबका किया धरा किसका होता है, हमारे कंट्रोल यूनिट का, जो भी डेटा इनपुट होता है, डेटा फ्लो को इन होगा आउट होगा सीपीयू में, और जो भी हमारे अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो भी होते हैं मेमोरी में, क्या सेव होना है, क्या इनपुट होना है, क्या आउटपुट होना है, ये सारा हमारा खेल किसका होता है, हमारे कंट्रोल यूनिट का, यानी कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल मतलब बनाता है, कौन, हमारा कंट्रोल यूनिट बनाता है। ठीक, इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट ऑल द इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन द प्रोग्राम, इट डिसाइड्स द फीचिंग इंस्ट्रक्शंस, इंटरप्रेट्स इट एंड सेंड कंट्रोल सिग्नल्स टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूनिट, द रिक्वायर्ड ऑपरेशन इज डन प्रॉपरली बाई ALU एंड मेमोरी, यानी कि ये हमारे सारे जो भी प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं सारे के लिए यही हमारा क्या है कंट्रोल यूनिट रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जो भी हमारे ALU यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट हो गया, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, ये सारे जो भी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को रन करवाना होगा वो हमारा कंट्रोल यूनिट ही करने वाला है। ठीक, फिर आगे देखते हैं, आगे आता है हमारा मेमोरी रजिस्टर। मेमोरी रजिस्टर क्या होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ए रजिस्टर इज अ टेम्प्रोरी यूनिट ऑफ मेमोरी इन द CPU, जो हमारा रजिस्टर होता है ये हमारे CPU का टेम्प्रोरी यूनिट होता है, मेमोरी का टेम्प्रोरी यूनिट होता है। दीज आर यूज टू स्टोर द डेटा विच इज डायरेक्टली यूज बाय द प्रोसेसर, यानी जो हमारा कंप्यूटर का हमारे कंप्यूटर सिस्टम का जो प्रोसेसर होता है वो हमारे रजिस्टर मेमोरी को यूज करता है। ठीक, रजिस्टर इज टेम्प्रोरी यूनिट ऑफ मेमोरी, जो हमारा रजिस्टर होता है वो हमारे मेमोरी का टेम्प्रोरी यूनिट होता है हमारे CPU का। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तो कुछ इस तरीके से दिखता है। और अब बात करते हैं आउटपुट, आउटपुट यूनिट क्या होता है उसको हम जान लेते हैं। हमने ऑलरेडी बताया हुआ है आउटपुट, यानी कि जो भी हमारी चीज़ें आगे सामने शो हो रही हैं या आउटपुट हार्ड फॉर्म में निकल रही हैं वो हमारा क्या है आउटपुट यूनिट होता है। द आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइसेस दैट आर अटैच टू द कंप्यूटर, यानी कि जो भी हमारी आउटपुट डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर सिस्टम से अटैच हुए रहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं आउटपुट यूनिट कहते हैं। इट कन्वर्ट द बाइनरी डेटा कमिंग फ्रॉम द CPU टू द ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। अभी हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा क्या है इनपुट यूनिट है, इनपुट यूनिट में क्या होता था जो ह्यूमन लोग जो अंडरस्टैंड करते हैं उस चीज़ को हमारे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था,
बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था, जिससे क्या होता था हमारा कंप्यूटर सिस्टम 0 1 और 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था। जिसको हम हमारा कंप्यूटर सिस्टम किसको अंडरस्टैंड करता है, बाइनरी यूनिट को अंडरस्टैंड करता है 0 और 1 को। तो वहाँ पे ये कन्वर्ट होता था किसमें, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता था, तब हमारा कंप्यूटर सिस्टम समझता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हमारे आउटपुट यूनिट में क्या होता है, हमारा मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट होता है हमारे ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, यानी कि हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। उससे क्या होता है, एक आदमी मतलब ह्यूमन अंडरस्टैंड कर लेता है कि ये हमारा क्या चीज़ है। द कॉमन आउटपुट डिवाइसेज आर मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ये हमारे क्या है कॉमन आउटपुट डिवाइसेज। मॉनिटर में क्या होता है, जैसे कि आप क्या है आपके कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी डेटा को क्या करते हैं, देखते हैं, तो हमारा किससे शो हो रहा है, हमारे आउटपुट डिवाइस से ही द्वारा शो हो रहा है, तो हमारा क्या होता है आउटपुट होता है। प्रिंटर होगा, किसी भी चीज़ को आप प्रिंट करते हैं, पहले इनपुट देते हैं, वो इनपुट देने के बाद वो हमको आउटपुट जो मिलता है वो हमारा क्या होता है आउटपुट यूनिट में आता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स रहे, तो आगे देखते हैं, आशा करते हैं आपको इनपुट आउटपुट और मेमोरी यूनिट और ALU यूनिट के बारे में समझ में आया होगा। तो आउटपुट डिवाइसेस हमारे कुछ इस तरीके से हैं, आपका मॉनिटर हो गया, आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, हेडफोन हो गया। जैसे कि आप किसी भी इनपुट देते हैं कि हमको गाना सुनना है, तो आप वहाँ पे कुछ टाइप करते होंगे तो वो हमारा इनपुट हो गया, फिर जब गाना बजता है वो हमारा क्या होता है, हमारा आउटपुट होता है। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखा करिएगा। अगर कुछ भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तब तक मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।